गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ चिराग सुकानी फ्रॉम रॉकविल बी बी कॉलेज वापी एंड वी विल गोइंग टू ट्रीट कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इन दैट दैट इज डिसीजन ट्री अप्रोच. सो क्वेश्चन नंबर 6 विच इज आस्क इन नवंबर डिसंबर 2014 इन 13 मार्क्स. ओके, याद रखना अच्छे से. नाउ अ फर्म हैज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग आउटले ऑफ रुपीज 80,000, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ. The investment proposal is expected to have the two years economic life with no salvage value. In year one, there is 0.4 probability that cash inflow after tax will be 50,000 and 0.6 probability that cash inflow after tax will be 60,000. Then the probability assigned to the cash inflow after tax for the year two are as follow. Yani year one ka kya diya? 0.4 probability का 50,000 and 0.6 probability 60,000 and year 2 का probability and cash flow दिया है. Now ये table दिया, the cash inflow in year 1, so year 1 में 50,000 and 60,000 है ना. Now year 2 में क्या हो सकता है, cash inflow in year 2, so 24,000, अगर 50,000 मिला तो 24,000 मिलने के चांसेस 0.2, 32 मिलने के चांसेस 0.3 एंड 44 मिलने के चांसेस 0.5. 60,000 मिला, सो 40,000 मिलने के चांसेस 0.4, 50 का 0.5 एंड 60 का 0.1. नाउ देखो, उसका प्रोबेबिलिटी आगे दे दिया 0.4 एंड 0.6, सो फर्स्ट ईयर का 50 एंड 60 का 0.4, 0.6 वन हो गया, वन हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑलवेज वन हो जाना चाहिए. Year 2 में 3 chances है, 24 भी हो सकता है, 32 भी और 44, and 2 plus 3 plus 5, 1, हो गया probability of occurrence, likewise, 40,000, 50,000, 60,000, so 0.4, 0.5, 0.1, so again probability of occurrence, 1 हो गया, यानी total 1 हो जाना चाहिए. Now, the firm uses 15% discount rate of this type of investment and risk फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. डिस्काउंटेड 15% एंड रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10%. रिक्वायर्ड फर्स्ट कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. सेकंड, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज. वर्स्ट यानी गंदा, वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी. व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम, अच्छा कौन सा है, and the probability of that occurrence. D, will the project be accepted? Then discount factor 10% and 15% for year 1 and year 2 is given. De diya dono ka. Calculate standard deviation and the coefficient of variation. Now, ye sums mein sabse jyada confusing or conflicting kya tha? Yahan pe two rate is given. One 15% is also given and 10% is also given. एंड दोनों का वैल्यू भी दे दिया, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कौन सा रेट लेना है, 15 लेना है या 10%. यानी जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, ईयर देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डिस्काउंट, सो डिस्काउंट रेट में 10% ले या 15% ले. तो रिमेंबर वन थिंग, इन डिसीजन ट्री ऑलवेज यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट. मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था, नोट भी लिखवाया था कि व्हेन टू रेट इज गिवन, सो आपको कौन सा रेट ले ध्यान में रखना है, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है एट द रेट ऑफ 10%. तो 15% खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, और उसका जो भी वैल्यू दोनों दिया, सो अगेन आपको कंफ्यूजन के लिए देते हैं. सो ध्यान रखना, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, क्लियर. चलो अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं डिसीजन ट्री. नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 है ना, 80,000 इज व्हाट इनिशियल कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट. नाउ ये 80,000 में टू चांसेस है फर्स्ट ईयर में, ईयर वन. सो ईयर वन में टू चांसेस है, कितना मिल सकता है ईयर वन में. इन ईयर वन 0.4 प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 50,000, यानी 50,000 मिल सकता है, उसके चांसेस 0.4 है. ओके, एंड ईयर टू में ईयर वन में 0.6 की प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 60,000, यानी 60,000 मिलने के चांसेस 0.6 है.
सो ईयर वन का कैश फ्लो आ गया। नाउ ईयर टू, नाउ ईयर टू के लिए आपको पीछे टेबल में दिया है वो देखना है। अगर 50,000 मिला तो ईयर टू में थ्री चांसेस है, कितना कितना मिल सकता है, 24,000 भी मिल सकता है, 32,000 भी मिल सकता है और 44,000 मिल सकता है। आ रहा है समझ में? नाउ 24 मिलने के चांसेस कितना है, 32 मिलने के चांसेस कितना है एंड 44 मिलने के चांसेस कितना है। सो 24 मिलने के चांसेस 0.2 है, 32 मिलने के चांसेस 0.3 है एंड 44 मिलने के चांसेस 0.5 है। लाइकवाइज इन ईयर टू अगर 60,000 मिला तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी 3 है, ओके 40,000 मिल सकता है, 50,000 मिल सकता है एंड 60,000 मिल सकता है। क्लियर? नाउ 40,000 मिलने के चांसेस 0.4, 50,000 मिलने के चांसेस 0.5 एंड 60,000 मिलने के चांसेस 0.1 आ गया। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप पाथ डिसाइड करना। सो पाथ कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड द 6। नेक्स्ट कॉलम क्या बनती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है, एनपीवी। एंड नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी, दैट इज एनपीवी बार। क्लियर? चलो जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.4 × 0.2 तो कितना आएगा, 0.08, 0.6 × 0.4 नेक्स्ट 0.6 × 0.4 0.24 0.6 × 0.5 0.30 and 0.6 × 0.1 that is 0.06। सो आपका 1 हो जाएगा। ओके नाउ मेन हमारा काम है एनपीवी फाइंड आउट करना। क्लियर? चलो एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए 6 एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर पाथ 1 to 6। क्लियर? चलो सो हम लोग वर्किंग नोट में एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहाँ पे 2 years का ही प्रोजेक्ट है। सो पाथ 1 year कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट 10% लेना, याद रखना रिस्क फ्री रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू। सो यहाँ पे ईयर वन में, ईयर वन एंड टू 2 years का ही है ना। सो ईयर वन का कैश फ्लो कितना है, 50,000 है ना, एंड ईयर टू का कैश फ्लो पाथ वन में 24,000, याद रखना है अच्छे से। हाँ कुछ भी लिखना नहीं है, 50,000 एंड 24,000। सो 50,000 × 0.909 That is 45450, 24,000 × 0.826 That is 19824 So हमारा आंसर आएगा 65274 So NPV present value of inflow 65274 Investment 80,000 है ना, outflow So हमारा NPV negative आएगा -14726 तो यहाँ पे एनपीवी -14726 आ रहा है समझ में। लाइकवाइज फॉर पाथ टू, मेन तो कैश फ्लो आपको आना चाहिए, पाथ टू है ना। सो कैश फ्लो ईयर वन में 50,000 एंड ईयर टू का कैश फ्लो टू में 32,000 है। क्लियर? सो डिस्काउंट रेट तो सेम ही रहेगा 0.09 एंड 826। सो 50,000 × 0.9 सेम 45450 आगे किया वो। नाउ 32 × 0.826 दैट इज 26432। सो टोटल इज व्हाट, 71882। सो एनपीवी 71882 माइनस 80,000। क्लियर? सो हमारा आंसर आएगा अगेन माइनस में 8118 8118। ओके सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -8118। आ रहा है समझ में कैसे करना है? ये सिंपल सा है जो हम लोग ने आगे किया ना वैसा ही है। ओके नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर पाथ थ्री। सो पाथ थ्री में चलो कैश फ्लो बोलो 50,000
ईयर वन ईयर टू में 44,000, क्लियर। मल्टीप्लाई करना है 50,000 इंटू 0.909, अगेन 45450, ओके, एंड 44,000 इंटू 0.826, 36344, ओके। सो प्लस करो दोनों को, दैट इज 81794, ओके। सो माइनस करेंगे 80,000, 1794 आएगा, ओके। सो एनपीवी इज व्हाट, 81794 माइनस 80,000, तो कितना मिल जाएगा, 1794 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1794, क्लियर। चलो नेक्स्ट पाथ फोर, ईयर वन का 60,000, ईयर टू का 40,000, ओके। नाउ 60,000 इंटू 0.909, 54540, एंड 40,000 इंटू 0.826, 33040, सो टोटल 87580। सो एनपीवी इज व्हाट, 87580 माइनस 80,000, ओके। तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव 7580, सो पाथ फोर 7580। नेक्स्ट पाथ फाइव, ईयर वन का कैश फ्लो 60,000 एंड ईयर टू का कैश फ्लो दिख रहा है 50,000, ओके। सो 60 इंटू 0.9 आगे किया 45450 एंड 50,000 इंटू 0.826 दैट इज 41300, ओके। सो 95840, सो एनपीवी 95840 माइनस इन्वेस्टमेंट 80,000, सो पॉजिटिव 15840, ओके। सो 15840 एंड लास्ट फर्स्ट ईयर का 60,000 कैश फ्लो, सेकंड ईयर का 60,000, सेकंड ईयर में भी 60 है, ओके। सो 54540 एंड 49560, सो टोटल 104100, सो 104100 माइनस 80,000, सो हमारा पॉजिटिव आया 24100, ओके। सो यहाँ पे आएगा 24,100, तो एनपीवी डाल दिया, आया ना कैसे करना था, इजी था। नाउ एक्सपेक्टेड एनपीवी आपको आता है कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, ओके। सो 14726 इंटू 0.08 दैट इज माइनस 1178.08, 88818 इंटू 0.12 अगेन माइनस में आएगा 974.16, 1794 इंटू 0.20 पॉजिटिव 358.8, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा 1819.2, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा 4752, एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है 1446, सो टोटल हमारा एनपीवी आया 6223.76, क्लियर हुआ कैसे करना था, ओके। तो ये हमको क्वेश्चन जो पूछा ना उसके अकॉर्डिंगली आंसर देते जाना। अभी ए, कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कर दिया कंस्ट्रक्ट। नाउ बी, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, इट मीन्स जो आउटकम का नेगेटिव एनपीवी होता है ना उसको वर्स्ट बोला जाता है, और नेगेटिव में भी ज्यादा नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव अमाउंट, वो वर्स्ट आउटकम बोला जाता है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी, वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या था, ये आंसर देना है। सी, व्हाट विल द बेस्ट आउटकम, सबसे अच्छा कौन सा आउटकम रहेगा, तो कौन सा रहेगा जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, और वो भी हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, वो बेस्ट आउटकम रहता है, और वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। डी, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव दैट इज एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट, नेगेटिव तो रिजेक्ट, ओके।
तो हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। सो ये ए हम लोग का हो गया। नाउ बी का आंसर कैसे लिखना है कि व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज। सो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इज रियलाइज, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इज रियलाइज एट। अब यहां पे देखो वर्स्ट आपको कहां पे दिख रहा है, सबसे माइनस नेगेटिव एनपीवी 14726 और यहां पे भी आप ये देखो या ये देखो, कोई भी देखो, सबसे ज्यादा वर्स्ट आपको क्या दिख रहा है दिस। ओके तो यहां पे ये नहीं देखना है, एनपीवी देखना है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, एक्सपेक्टेड नहीं पूछा, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कॉलम नहीं देखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे नेगेटिव दिख रहा है, दैट इज माइनस 14726, यहां पे माइनस है बट यहां पे 8000 है, बट सबसे ज्यादा यहां पे। ना वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी है 0.08, वो टाइम पे कैश फ्लो कितना है, ईयर वन का 50,000 है एंड ईयर टू का 24,000 है। तो उसको अच्छे से सेंटेंस में फॉर्मुलेट करना है। सो द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इज रियलाइज्ड एट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 50,000 इन ईयर वन एंड रुपीज 24,000 इन ईयर टू विथ मैक्सिमम एनपीवी माइनस रुपीज 14726 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज व्हाट 0.08। आया समझ में? तो ये मैंने आपको दिखा दिया। देखो अगर आपको लिखना है अपने सेम टू सेम नहीं लिख पाएंगे बट इतना तो लिख पाएंगे। सो वर्स्ट आउटकम कहां पे रियलाइज होगा, वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड व्हेन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज 50,000 इन ईयर वन 24,000 इन ईयर टू विथ हाइएस्ट नेगेटिव एनपीवी 14726 एंड एट दैट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज व्हाट 0.08। आया समझ में? नाउ अगर आपको बेस्ट पूछा है, अभी सी में क्या पूछा, व्हाट विल द बेस्ट आउटकम, अच्छा कौन सा है, तो आपको पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा अमाउंट वाला। सो यहां पे दिख रहा है 24,100। ओके सो अभी आप बना सकते हो ना कि बेस्ट आउटकम इज रियलाइज, बेस्ट आउटकम इज रियलाइज व्हेन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज व्हाट 60,000 इन ईयर वन, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन ईयर टू विथ हाइएस्ट एनपीवी दैट इज पॉजिटिव एनपीवी रुपीज 24,100 एंड एट दैट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज व्हाट 0.06। आया समझ में? तो हम लोग सी का आंसर लिखेंगे, द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज रियलाइज एट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 60,000 इन ईयर वन एंड रुपीज 60,000 इन ईयर टू विथ मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी दैट इज रुपीज 24,100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एट दिस टाइम इज व्हाट 0.06। ओके तो यहां पे आप देखो माइनस वैल्यू ये है, तो वो टाइम पे ये सब देखना है, कैश फ्लो वन कैश फ्लो टू, नेगेटिव पॉजिटिव सबसे अच्छा ये है, तो ये से जाना है कैश फ्लो वन एंड कैश फ्लो टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दिस अमाउंट। ओके सो हम लोग का ये कंक्लूजन वाला आंसर बी एंड सी। नाउ डी, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, बट ऑब्वियस यहां पे तो पॉजिटिव एनपीवी है ना, एक्सपेक्टेड एनपीवी, सो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो डी का आंसर क्या होगा, यस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज देयर इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेड एनपीवी दैट इज रुपीज 6,223.76। क्लियर? देन ई, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ना मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दिखाया और आपको समझा भी दिया, जब कैश फ्लो देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट अंडर रूट समेशन टी इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होल स्क्वायर। बट मैंने बोला है डिसीजन ट्री में एनपीवी को ध्यान देना है, डिसीजन ट्री में क्या लेना है आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखना है। सो समेशन टी इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी इनटू ब्रैकेट एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर, मेथड सब सेम। हम लोग ने जो आगे सम्स किया वो कैश फ्लो का किया और यहां पर कौन सा अमाउंट लेना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी एज वेल एज एक्सपेक्टेड एनपीवी। क्लियर? तो यहां पे तो ईयर वाला कुछ नहीं ना, तो यहां पे पाथ वाइज देखना है, यहां पे क्या देखना है पाथ, तो यहां पे सिक्स पाथ है, सिक्स पाथ का नेक्स्ट कॉलम बनेगा एनपीवी और ये एनपीवी जो हम लोग ने फाइंड आउट किया। देखो
-14726 -8118 1794 7580 1584024100 that is this amount path wise 123456 ओके और ये एनपीवी लिख लिया क्लियर ना ये एनपीवी लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम लोग ने जो ये किया ना 0.08 0.12 20 वही डाल देना अकॉर्डिंग एज पर दी पाथ ये हो गया सो ये थ्री कॉलम हम लोग ने आगे से डाल दिया पाथ एनपीवी एंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ना अभी हम लोग को क्या चाहिए ये चाहिए ना प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर सो हम लोग यहां पे ये कॉलम बनाएंगे एनपीवी माइनस एनपीवी बार नेक्स्ट कॉलम एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम प्रोबेबिलिटी इनटू एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर आया समझ में तो किसे जाना है इसे जाओ पाथ वाइज तो कैलकुलेटर में आपको प्रेस कम करना पड़ेगा अमाउंट को ओके नाउ यहां पे एक्सपेक्टेड एनपीवी हम लोग ने फाइंड आउट किया है 6223.76 ओके नाउ एनपीवी माइनस एनपीवी बार किस होगा एनपीवी माइनस एनपीवी बार किस होगा एनपीवी कितना आया -14726 माइनस है माइनस एनपीवी बार 6223.76 ओके तो हमारा एनपीवी माइनस एनपीवी बार का अमाउंट क्या आएगा -20949.76 क्लियर उसका स्क्वायर करना है सो इनटू 20949.76 देखो इनटू किया यानी पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां पे माइनस नहीं डालना है पॉजिटिव अमाउंट दैट इज 4388924.06 ओके उसको मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के साथ एंड प्रोबेबिलिटी कितना है 0.08 into 0.08 सो हमारा आंसर आया 3511395.52 आ रहा है समझ में तो ऐसे जाओ कॉलम आपको याद है ना कितनी कॉलम बनानी है सो ऐसे जाओगे तो आपको अमाउंट कम प्रेस करना पड़ेगा लाइकवाइज फॉर सेकंड टू बताता हूं फिर डायरेक्टली हो जाएगा दैट इज -8118 माइनस एनपीवी बार 6223.76 सो हमारा एनपीवी माइनस एनपीवी बार क्या आएगा माइनस में -14341.76 उसका स्क्वायर करना है सो इनटू 14341.76 सो ये पॉजिटिव हो जाते हैं माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव दैट इज 2056860.79.8 ओके उसको मल्टीप्लाई करो विद 0.12 into 0.12 आ गया 2468239.59 इसे आपको जाना है ओके लाइकवाइज एनपीवी 1794 लास्ट हाँ 1794 माइनस 6223.76 तो यहां पे आपका अगेन माइनस आया -4429.76 उसको स्क्वायर करो ओके तो कितना आया 196 आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करो सो हमारा आंसर आया 3924554 इससे जाना है सो ये टोटल हम लोग को समय फॉर्मूला में क्या चाहिए समेशन चाहिए तो उसका सबका टोटल टोटल को अंडर रूट में डालना है अंडर रूट में डालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर ये आएगा 1053921 ओके फिर हम लोग उसका कोवेरियंस दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है सो सीवी इज व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एनपीवी बार सो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम लोग ने फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय एनपीवी बार एक्सपेक्टेड एनपीवी 6223.76 दैट इज 1.69 आपका कोवेरियंस आएगा ओके तो ये सम्स लेंथी बट 13 मार्क्स का था इससे तो इजी था खाली स्टैंडर्ड डिविएशन का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हार्ड होता है क्लियर तो ये टाइप के सम्स अभी एग्जाम में आते हैं ओके नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर